بسم الله الرحمن الرحيم Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. Bismillahirrahmanirrahim. Adab. रमज़ान मुबारक के ख़ुसूसी बैठकें हैं ये 247online.tv के ऊपर. रमज़ान इबादत रहमतों का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, अल्लाह ताला से मांगने का महीना है, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाने का महीना है. लेकिन वक्त के साथ साथ शायद इबादत की रूह कदरे हमारे मिजाज में से कम हो गई है. हम बहुत सी इबादत में ऐसी में पड़ गए हैं जिनकी शायद रिवायत में कोई जगह ना हो. और बहुत बार ये भी नहीं समझ में आता कि अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगना है, तौबा करनी है, मग़फ़रत करनी है, तो उसके बेहतरीन अल्फाज क्या हैं. कुरान में दुआएं मौजूद हैं, कुरान में रिवायत में बहुत से सवालों के जवाब मौजूद हैं. तो इन बैठकों का मसला, इन बैठकों का मकसद यही है कि वो रिवायात, वो कुरान की आयात, वो दुआएँ, उन पे बैठ के तबसरा किया जाए, बात की जाए, समझा जाए, कलाम किया जाए, ताकि इस रमज़ान जब इबादत के लिए इन अल्फाज इन कलमात का इस्तेमाल हो तो बेहतर दिल की गहराई से वो इबादतें निकलें, वो अल्फाज निकलें. तो हमने दरख्वास्त की चंद असातज़ा से कि वो वक्तन फ़वक्तन हमसे बात करें और एक एक करके कभी आयतुल कुर्सी, कभी सूरह फातिहा, कभी नमाज की रूह, कभी रोज़े की रूह, रमज़ान का मकसद, सिरात मुस्तकीम क्या है, हुस्ने सलूक क्या है, कुरान में जो दुआएं हैं उनके मतलब क्या है, शान नज़ूल क्या है, इस पे बात की जाए. तो ये सिलसिला आपको पूरे रमज़ान मिलता रहेगा. अब अगर आप ये वीडियो YouTube या हमारी वेबसाइट 247online.tv पे देख रहे हैं तो ये ना समझिए कि ये एक अकेली वीडियो है, ये एक कड़ी है पूरी और इसमें कई वीडियोस मौजूद हैं. अगर आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो यहाँ आपको एक लिंक इस पेज पे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा जहाँ से कि आप जाके उस पूरी लिस्ट को देख सकेंगे रमज़ान मुबारक के मुनासबत से जो हमने शोज़ किए. अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको या तो हमारे आखिर में इस शो के जो है एक मेन्यू पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वरना अगर आप http://247online.tv या speakforchange.org पे जाएंगे तो वहाँ पे नेविगेशन से आप देख सकेंगे कि रमज़ान के जो शोज़ हैं उनका कोई लिंक है. वहाँ जाके आपको पेज पे वो तमाम शोज़ की लिस्ट मिल जाएगी जिससे कि आपको इन शोज़ को देखने का मौका मिलेगा. आइए आज जिस मौजू पे बात हो रही है उसकी तरफ चलते हैं. आदाब. सिलसिला रमज़ान का और हम बातें कर रहे हैं दुआ से होते हुए हम आए फिर तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ गए, अब हम दुआओं की तरफ इब्तिदा करते हैं. ज़ुबैर भाई, सूरह फातिहा सबसे पहली दुआ भी है और इसमें शायद तौबा के भी कुछ इसके अंदर अंसर मौजूद है. जी बिल्कुल है. सूरह फातिहा जो है उसके बारे में ज़रा हमें पहले थोड़ा सा समझ लेना चाहिए. पहली बात तो ये कि सूरह फातिहा कुरान मजीद में सबसे पहली सूरा है मुसहफ़ की तरतीब के एतबार से. तरतीब नुज़ूली के एतबार से तो उसकी उसका मकाम कहीं और है लेकिन मुसहफ़ में सबसे पहले रखी हुई है. चूँकि मुसहफ़ में सबसे पहले रखी हुई है इसलिए इसकी पोजीशन, इस सूरह फातिहा की पोजीशन बिल्कुल ऐसी है जैसे कि किसी भी किताब का प्रीफेस होता है. ठीक है, बिल्कुल दीबाचा या प्रीफेस की तरह है. और हम जानते हैं कि जो दीबाचा होता है किसी भी बुक का या प्रीफेस जो होता है उसमें किताब की का निचोड़ लिखा हुआ होता है कि ये किताब मुसन्निफ ने क्यों लिखी है, उसका क्या मकासद है. तो जब हम सूरह फातिहा को पढ़ते हैं और उसको पूरा एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई सूरह बकरा से लेकर सूरह नास तक अब जो कुछ भी उस मुसहफ में लिखा हुआ है उसका पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन जो है उस सूरह फातिहा में हमें मिल जाती है. सूरह फातिहा को जब हम देखते हैं तो
तो इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, इस उनकी रिवायत, उनकी हदीस के मुताबिक इसके तीन हिस्से हैं सूरह फातिहा के। सूरह फातिहा के अंदर जो आयात हैं उसमें एक हिस्सा, पहला जो हिस्सा है दो या तीन आयात का, वो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हिस्सा मेरे लिए है, वो हिस्सा मेरा है, वो मेरे लिए है, मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। जो आखिर वाला हिस्सा है वो मेरे बंदे के लिए है, और जो दरमियान वाला हिस्सा है अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वाला हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम हो गया है। ये मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में मफहूम बयान कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब जब हम सूरह फातिहा की इब्तिदा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बुनियादी इसका जो तर्जुमा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए हैं। ठीक है, वन बाय वन लेके चलें। अलहम्द का जो लफ्ज़ है, अलहम्द की जब आप अरबी में पूरी आप रिसर्च करेंगे और इसको जहाँ जहाँ पे तलाश करेंगे कुरान मजीद में, तो आप मालूम करेंगे कि अलहम्द का लफ्ज़ तारीफ़ के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है, हम्द का लफ्ज़ अलहम्द तो नहीं, हम्द का लफ्ज़ तारीफ़ के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और शुक्र बजा लाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का अगर मैं मतलब अब बनाऊं तो ये बनता है कि तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है, और अल्लाह कौन है? रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का पालने वाला और परवरिश करने वाला। ठीक है, यहाँ रब्बिल आलमीन पे भी ज़रा इसको ठहरते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। रब का जो मतलब होता है, अरबी ज़बान के एतबार से रब कहते थे परवरिश करने वाले को, पालने वाले को, टेक केयर करने वाले को, निगहदाश्त करने वाले को, परवरिश करने वाला, वो रब कहलाता है। तो रब्बिल आलमीन का यहाँ पर एक बड़ी बारीक फिलॉसफी है। ये पहली आयत हमें बता रही है कि अल्लाह वो हस्ती नहीं है कि जिसने कायनात पैदा कर दी और अब खुद जाके जो है वो कहीं पर बैठ गया है और कायनात जैसे चल रही है चल रही है। नो, ये अल्लाह ताला इन्वॉल्व है, और अल्लाह ताला उस कायनात की नशोनुमा कर रहा है, उसकी परवरिश कर रहा है, उसकी निगहदाश्त कर रहा है, उसको टेक केयर उसका कर रहा है, उसको लुक आफ्टर कर रहा है। ये रब्बिल आलमीन है, और रब आलम भी नहीं कहा गया और रब नास भी नहीं कहा गया कि सिर्फ इंसानों का ये पालने वाला है या किसी एक जहाँ का, बल्कि आलमीन यानी तुम्हारी वसत के अंदर, तुम्हारे जहनों में जो भी यूनिवर्स का तस्वुर है वो सब इसके अंदर शामिल है। ऑल इंक्लूसिव टर्म है, ऑल इंक्लूसिव है। तो ये वो रब है जो तमाम आलमीन को परवरिश देने वाला है और पालने वाला है, और इस रब का हम शुक्र भी अदा करते हैं और हम तारीफ भी करते हैं। ठीक है, दूसरा, फिर दूसरी आयत है अर रहमान अर रहीम, कि वो बहुत ज़्यादा रहमान है, बहुत ज़्यादा रहमत वाला भी है और बहुत ज़्यादा रहीम भी है। अब जाहिर एक नेचुरल सा क्वेश्चन पैदा होगा कि रहमान और रहीम तो दोनों एक ही मादे के बने हुए अल्फाज हैं, ये क्या हैं दो? इसको मैं दो तीन तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब भी कभी आप, हम उर्दू में भी बात अगर कर रहे हों अपनी ज़बान में, हर ज़बान का अपना एक उसलूब होता है, हर ज़बान के मुहावरे होते हैं, उनके कॉनोटेशंस होती हैं। तो जब हम उर्दू में बात करते हैं तो हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि भाई ये शख्स गोरा है, लेकिन हम अगर कहना चाहें कि ये बहुत गोरा है तो हम कहते हैं ये गोरा चिट्टा है। ठीक है, ये गोरों में भी गोरा है, गोरा बोलते हैं हम आमतौर पर, गोरा चिट्टा है, हालांकि गोरे का मतलब भी गोरा है और चिट्टे का मतलब भी गोरा ही है। ठीक है, लेकिन हम दो अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जोर देना चाहते हैं कि बहुत गोरा है। ठीक है, एक शख्स काला है, हम कहते हैं काला कलूटा है, एक काला है और कलूटा है। ठीक है, तो इस तरह के अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल, हम यानी ये जबान, एग्जैक्टली, तो ये जबान का उसलूब है। बिल्कुल इसी तरह से अरबी जबान का भी अपना उसलूब है। बेशक अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज़्यादा है, इनफाइनाइट है और इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अरबी के उसलूब के बंदिश में रखते हुए अल्लाह ताला की उस रहमत को बताया गया कि अर रहमान अर रहीम, रहमान भी है और रहीम भी है। अंडरस्टूड, एक बात। दूसरी बात, जब हम अरबी के कवायद को देखते हैं तो अरबी में जो है वो कुछ सीगे मुबालगे के सीगे होते हैं और कुछ सीगे दवाम के सीगे होते हैं।
وضاحت کیجیے. ثقیل مبالغے اور دوام کے سیغے یہ ہیں, یعنی کہ کچھ ایسے سیغے ہوتے ہیں جس میں کہ جوش پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار یہ شخص جو ہے نا یہ پڑھائی میں بہت جوشیلا ہے, اور فلاں شخص جو ہے نا پڑھائی میں مستقل مزاج ہے. دونوں میں فرق ہے. جوشیلا شخص جو ہے نا وہ ایک دن بیٹھے گا, 10 گھنٹے پڑھ لے گا, اس کے بعد ایک مہینے تک کتاب نہیں اٹھائے گا, پھر ایک دم سے ببل اس کا اٹھے گا, پھر وہ کچھ پڑھے گا, پھر بیٹھ جائے گا. ایک مستقل مزاج ہوگا وہ 15 منٹ پڑھے گا, لیکن پڑھے گا ریگولرلی. ٹھیک ہے, تو جو مستقل مزاج ہے اس کو کہتے ہیں دوام, اور جو جوشیلا ہے اس کو کہتے ہیں مبالغہ. عربی زبان میں مبالغہ اور دوام کے الگ الگ صیغے ہیں. ٹھیک ہے, تو عربی کے جو مفسرین ہیں, قرآن کے جو مفسرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رحمان ہے نا وہ رحمت کے مبالغے کا صیغہ ہے, اور جو رحیم ہے نا وہ دوام کا صیغہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالی رحمت میں پرجوش بھی ہے, اور صرف پرجوش نہیں ہے بلکہ مستقل مزاجی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہو سکتی, رحمت ہمیشہ رہے گی اور پرجوش بھی رہے گی. تو جوش کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ, اس لیے رحمان اور رحیم کا ذکر ہے. بہت خوب, بہت خوب. ٹھیک ٹھیک. ایک تیسری تفسیر, مطلب تیسرا ایک اوپینین ہے, چونکہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں تو سارے اس کو ڈسکس کر لیں. مقصد ہی تیسرا اوپینین یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسپیسیفک رحمت کی صفت ہے جو اس کے اپنے بندوں کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے, اور رحیم والی جو صفت ہے وہ صفت ہے جو ان جنرل وہ سارے عالمین کو دے رہا ہے. ایک شخص ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس پر رحمانیت اس پہ اللہ تعالیٰ طاری کرتا ہے, اور ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی تو رزق دے رہا ہے, اسے بھی تو غذا دے رہا ہے, اسے بھی تو دنیا کی آسائشیں دے رہا ہے, ترقی دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے. تو اللہ کی وہ جو رحم والی صفت ہے وہ رحیم والی صفت. بہت خوب, بہت خوب. تو ایک جنرلائز ہے اور ایک اسپیسیفک ہے. تو تین وضاحتیں ہو گئیں رحمان اور رحیم کی. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحمن الرحیم. ٹھیک ٹھیک. مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے, دا ڈے آف دا ججمنٹ اس کا مالک ہے. مالک کا لفظ یہاں پر کیا ہے؟ مالک کا لفظ عربی زبان میں خود مختاری کے لیے استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اونرشپ, کہ بھائی میں اس چیز کا, میں اس پین کا مالک ہوں, یعنی میں اس کا اونر ہوں, میں اس کا خود مختار ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب میں اس کا خود مختار ہوں تو میں چاہوں تو اسے استعمال کروں, چاہوں تو اسے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دوں, کیونکہ میں اس کا مالک ہوں, میں خود مختار ہوں, مجھے کوئی آرگیو نہیں کر سکتا, اور نہ ہی میں اس کے معاملے میں کسی کو کوئی آنسریبل ہوں. مالک کا یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ججمنٹ ڈے جو ہے, قیامت کا دن, اس کا مالک ہے, مالک کل ہے وہ. اس میں اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی اور اسی کا اختیار ہوگا, اور اس کے اختیار میں ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی شراکت داری نہیں ہے, کسی پیغمبر کی نہیں, کسی فرشتے کی نہیں, کسی کی نہیں. وہ آل ان آل, بلکہ میں یہاں پر تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے مکالمہ کرے گا, ان سے ڈائلاگ کرے گا. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو بلائے گا اللہ تعالیٰ, مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ یا عیسیٰ, کیا آپ نے اپنے فالوورس کو کہا تھا کہ وہ آپ کی بندگی کریں, یعنی آپ کو گاڈ بنا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ, میں ان کے درمیان جب تک تھا تو میں ان کے درمیان نگہبان تھا, لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا, اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے, لیکن تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, اور میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا جواب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ, اگر تو انہیں بخش دے, اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ, کتنی درد مندی سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو رحمان ہے اور تو عزیز ہے اور تو حکیم ہے, یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو تیری بادشاہی ہے, اور اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں. یعنی کہ میں بہت لاچار ہوں,
मेरा कोई इख्तियार नहीं, नबी ये कह रहा है कि मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन नबी रिक्वेस्ट कैसे कर रहा है कि अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू रहमान है, लेकिन अगर तू इन्हें सजा दे तो ये तेरे बंदे, तेरे बंदे हैं, तेरी मंशा है। तो ये मालिक यौमिद्दीन का कॉन्सेप्ट है कि वो जजमेंट डे का अकेला मालिक है। ठीक है, और यहाँ पे पहला सेक्शन खत्म हुआ, यहाँ पे पहला सेक्शन खत्म हुआ। आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं? मुझे अंदाज़ होता कि अंदाज़ होता कि ये है या का ना बदो, तो यहाँ से पहले 50-50 वाला डील शुरू। ठीक है, ठीक, एक छोटा सा पहले। Get tempted by mouth-watering juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. अब सूरह फातिहा का दूसरा फेज आता है जो आपने फरमाया कि यहां 50-50 की बात है। ठीक है, उसके बाद है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ठीक है, तेरी ही इबादत करते हैं और किसी की नहीं करते। यहां पर इय्याका का जो लफ्ज है वो ओनली के लिए है, दी ओनली। तो हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। और एक और बात बता दूं अपने नाज़रीन के लिए कि ये जो सीगा इस्तेमाल हुआ है इय्याका नअबुदु और इय्याका नस्तईन, ये फेले मज़ारे कहलाता है। फेले मज़ारे की तारीफ़ मैं बयान कर देता हूँ। फेले मज़ारे वो है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, यानी अरबी ज़बान में हाल, माजी हाल, मुस्तकबिल तो होता ही है, लेकिन एक फेले मज़ारे भी होता है। फेले मज़ारे वो होता है कि जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों कंबाइन कर दिए जाएं। ठीक है, तो अगर ट्रू कंटिन्यूस जो होता है, आप यूँ समझ लीजिए, अगर इसका ट्रू उस फेले मज़ारे को देखकर अगर हम इसका तर्जुमा करें तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, और हम तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप अल्लाह ताला के सामने ना सिर्फ ये इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आप अल्लाह से अल्लाह की इबादत करते हैं, और एडमिट करने के साथ साथ प्रॉमिस भी कर रहे हैं, कमिटमेंट है, कमिटमेंट भी। पहले तो एडमिट कर रहे हैं कि भाई हम तेरी इबादत करते हैं, और फिर प्रॉमिस करते हैं कि हम करते भी रहेंगे, और फिर तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते भी रहेंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आते हैं हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में अब हम अल्लाह ताला से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दुआ शुरू हो रही है। वो जो दुआ का जो लफ्ज़ था ना कि अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए कोई चीज़ तलब करना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरात-ए-मुस्तकीम पूरी एक घंटे की बहस है, पूरी बहस है, वो पूरी बहस है, पूरी बहस है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि तू हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते की हिदायत दे। ठीक है, इस पे दो ओपिनियन हैं जो बड़े मारूफ ओपिनियन हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का एक मतलब ये लिया जाता है कि तू हमें सीधा रास्ता दिखा, और दूसरा मतलब ये लिया जाता है कि सीधा रास्ता तो अल्लाह ने हमें दिखा दिया है, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब है कि तू हमें सीधा रास्ता चला। हमने देख तो लिया कि ये सीधा रास्ता है, लेकिन अब तू चलाने की भी तौफीक हमें दे कि हम इस पर चलें भी, कायम और दायम रहें। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते की रहनुमाई कर, सीधे रास्ते की हिदायत दे। ठीक है, अब न सिर्फ ये कि हम सीधा रास्ता अल्लाह से मांग रहे हैं, इसमें कि गाइड का अंसर है ना, इहद का मतलब है कि हिदायत दे, गाइडेंस। हिदायत सिर्फ दिखाने की हद तक नहीं है, हिदायत का मतलब एग्जैक्टली हिदायत का मतलब है कि आप पीछे चल रहे हैं, गाइडेंस भी दे, और फिर हमें उस पूरे रास्ते को टिल द एंड हमारे मतलब वो कंटिन्यू कर। ओके, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब न सिर्फ ये कि हम अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम की बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला के सामने डिफाइन कर रहे हैं हम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अल्लाह ताला को बता रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम कौन सी वाली। ये देखें, अल्लाह ताला ने आदाब सिखाए ना, अभी जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि हम तो दिल ही दिल में भी कर लें, नहीं, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि उसके सामने बड़ी खोल खोल कर बात की जाए। ये सब आपको अल्लाह को पता है कि सिरात अल मुस्तकीम का क्या मतलब है। बहुत इब्तिदा में ना सिर्फ आदाब बल्कि अल्फाज भी
اللہ تعالیٰ نے بتائیں بالکل, اور اللہ تعالیٰ نے بتائیں تو صراط مستقیم کی آگے ڈیفینیشن آپ خود اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ صراط مستقیم کون سی بات, میرا مطلب یہ والا ہے. ہاں اہدنا صراط المستقیم, اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ تو دکھا کہ جن پر تو نے انعامات کی بارش کی تھی, جن پر تیری نعمتیں ہوئی تھیں نازل, انعمت علیہم تیری نعمتیں جن پر نازل ہوئی تھیں ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا. یہ اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ یہ اشارہ انبیاء کی طرف ہے, یہ اشارہ صدیقین کی طرف ہے, اور یہ اشارہ جو ہے صالحین کی طرف ہے. قرآن نے چار الفاظ استعمال کیے ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے اللہ تعالیٰ نے ان پر, اور انبیاء کے فالوورز, اس میں صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں. اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے نا فیصل صاحب, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کی بات کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ اس کی قوم میں یہ خرابی تھی, پھر ہم نے اس کو حکم دیا کہ اپنی جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر الگ چلے جاؤ, جب وہ الگ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیج دیا. تو وہ جو الگ ہوئے وہ ہیں انعمت علیہم, مطلب کام کے لوگ نکال کے باقیوں کی صفائی کی ہیں. Exactly, یہ ہوا ہے, وہ ہیں انعمت علیہم, وہ ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے بالکل صحیح ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, الفاظ میں ادھر کیمرے کی طرف دیکھے بغیر ایسی بات کہہ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. تو انعمت علیہم کہ تو ہمیں شہداء کے لفظ استعمال کیا, وہ جہاں تک میرے خیال ایک گواہی دینے والے, جی شہادت دینے والے, جی جی جی, آپ یعنی لغوی معنوں میں تو وہی ہے کہ شہادت دینے والے, اور اصطلاحی معنوں میں شہدا ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ اس حد تک گواہی دے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اللہ کی راہ. بالکل بالکل, نہ انسانی تیرا بلکہ اللہ کی راہ, اللہ کی راہ میں. وہ جو آج کل ہم نہیں, وہ نہیں, وہ ادبی الفاظ میں بہت سارے مزاحتیں کرتے ہیں, نہیں وہ نہیں, وہ نہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا, ان لوگوں کا راستہ دکھا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے. یہ دونوں لوگوں کی آپ نے وضاحت کرنی ہے, کیونکہ یہ بالکل میں وضاحت کر رہا ہوں. نہیں نہیں, ابھی تو سورہ فاتحہ میں بہت کچھ وضاحت کر رہی ہے, لیکن یہ والی چیز میں خاص ہوں, کیونکہ مجھے ڈائگریس کر رہا ہوں, مجھے بڑی لوگوں سے شکایت رہی, اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے حافظ محمود الحسن صاحب مرحوم, ان کی شکل میں کچھ عرصے کے لیے ایک استاد ملا, جس نے سورہ فاتحہ مجھے بہت آج سے 20 برس پہلے سمجھائی تھی, اور اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ صبح شام نماز میں پڑھتے ہو تمہیں یہ بھی نہیں پتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہہ رہے ہو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو. تو وہ بات وہ آج تک مجھے یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم یہ پڑھ ڈالی, یہ نہیں سوچا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے, اور ان کی کون سی بات سے ہم بچ رہے ہیں, اور ان کی کون سی بات سے ہم نہیں بچ رہے. تو جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. جب ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ دراصل بنی اسرائیل کی وہ قوم ہے جسے آج ہم یہود کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور یہ پوری تاریخ موجود ہے, اس کی ہسٹری موجود ہے, ظاہر ہے اس کا وقت نہیں ہے, کہ ان پر پے در پے مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب مختلف صورتوں میں نازل ہوا. مثال کے طور پر بخت نصر آیا, بخت نصر نے 2 مرتبہ حملے کیے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی اسرائیل یہود کے قبائل کی, اور یہ ہوا کہ تورات کو جلا دیا گیا اور ان کے سارے ساز و سامان کو لے کر وہ چلے گئے, اور ایسے پے در پے بہت سارے واقعات ہوئے. بالکل اسی طرح سے ان کے کچھ قبائل ایسے تھے جن کو قرآن کے مطابق جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا, سورہ بقرہ میں ہے یہ. تو یہ وہ اقوام ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی کہ شدت کے ساتھ ان پر اپنا عذاب نازل کیا تھا. اور ولد ضالین وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں, بھٹکے ہوئے کا مطلب وہ اپنی راہ سے ہٹ گئے ہیں, ان کی راہ توحید کی راہ تھی اور وہ توحید کے اندر شرک کے قائل ہونے لگے, یا انہوں نے اللہ کا بیٹا کسی کو بنا لیا یا کسی کو اللہ کی بیٹی بنا لیا یا جو بھی کیا, اس کا اشارہ ہے عیسائیت کی طرف. تو یہ جو ضالین ہے یہ بھٹک گئے, یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی تعلیمات میں نہیں کہا کہ میں
सन ऑफ गॉड हूँ, लेकिन ये लोग भटक गए और इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही को अल्लाह का बेटा मान लिया और उनकी जो है वो परस्तिश करने लगे। मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप एक और वजाहत जी जी, मैं दोबारा चाहूँगा सिरात अलज़ीना से शुरू कीजिए, क्योंकि अब इस पे फौरन हो जाएगा यहूद नसारा को हम से दुश्मनी हमने जितानी है, हालांकि उनसे दुश्मनी का जिक्र मैं समझता हूँ उनसे दुश्मनी की नहीं है, तरीकों उनसे दुश्मनी नहीं, मैं इसकी वजाहत करूँगा अभी, मैं तो अभी और बहुत नहीं, अभी बहुत सारी वजाहतें करनी है मुझे। पहली बात यहाँ पर यह समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वलद्दाल्लीन का मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि हम किसी ख़ास मज़हब को या किसी ख़ास कौमियत की तरफ जो है वो या किसी ख़ास तबके को जो है वो उसको हम कंडेम कर रहे हैं या उसके नफ़रत की बात कर रहे हैं, नो ऐसा नहीं है। हम अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि या अल्लाह जिन लोगों पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ उनका जो रास्ता था, उनका जो तरीक़ा था, वो तरीका ऐसा था जिसकी वजह से तेरा गजब नाजिल हुआ, तो ऐसे ऐसे तरीकों से हमें बचा ले, ऐसे रास्तों से बचा ले, ऐसे रास्तों से बचा ले। उनका रास्ता क्या था? वो सिंपल सी बात थी कि वो मुख्तलिफ, अगर जब हम कुरान का मुताला करें तो मुख्तलिफ बातों में अल्लाह ताला को बार बार अल्लाह ताला की ज़ात में शरीक कर दिया करते थे। मैं बहुत छोटी सी मिसाल देकर बात को ख़त्म कर देता हूँ, ये वाली बात को, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से, जब वो पूरे यहूदी मौजूद थे, फिरौन की ग़ुलामी में मौजूद थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उनको निजात दी और वो पूरा एक लश्कर जो है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से चला गया, निकल गया उस फिरौन की उसमें से बाउंड्री में से बाहर निकल गया। लेकिन जब वो सहराए सीना में पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया कुछ हिदायत देने के लिए। जब आप कोहे तूर पर गए तो आपके पीछे आपकी कौम ने क्या किया कि एक बछड़ा बनाया और बछड़े की परस्ती शुरू कर दी। अभी कुछ अरसा पहले उस रब्बे कायनात ने आपको एक जुल्म से निजात दिलाई थी, उस रब्बे कायनात ने आपके सामने आंखों देखा मौजज़ा दिखाया था कि समंदर में से आपके लिए रास्ता बनाया था, लेकिन उसको छोड़कर फिर बछड़े की पूजा, फिर भटक गए। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें उन्होंने की, ये वो रास्ता है जिससे हम पनाह मांग रहे हैं कि ये रास्ता या अल्लाह तू हमें मत दिखाना, तूने हमें तौहीद पर कायम रखा है तो तौहीद ही पर कायम रखना। दूसरे वाले जो थे भटक गए, उन्होंने भी दरअसल इस रास्ते को छोड़ा और उसमें बुनियादी तौर पर शिर्क कर लिया, उसमें बुनियादी तौर पर जो है अल्लाह की ज़ात में शरीक किया किसी को। तो हम उनके उस रास्ते से पनाह मांग रहे हैं, ना कि उन लोगों से कोई नफरत का इजहार है। अच्छा, अब ज़रा इसको फिर शुरू से आता हूँ मैं। अब आप देखें, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन, ये जो तीन आयात हैं, इन तीन आयात के यहाँ पे गुफ्ता दे देते हैं ताकि आप समेट कर रहे हैं तो मुझे बाद में रोकना पड़ेगा, छोटा सा गुफ्ता लीजिए। Get tempted by mouth-watering juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. बहुत शुक्रिया इस साहब, आप समेट कर रहे हैं सूरह फातिहा को, फरमाइए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तीन आयात हैं शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन, अब इसके बारे में अब हम जब रिवायात पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को तालीम दे रहे थे सूरह फातिहा की, तो आपने लोगों को समझाने के लिए कि कितनी अहमियत रखती है सूरह फातिहा, आपने बताया कि जब बंदा ये कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तो अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में फरिश्तों से ज़िक्र करके कहता है कि मेरा फला बंदा जो है उसने मेरी तारीफ़ की है। यानी अल्लाह, आप ज़रा देखें इस बात को, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें कि रब्बे कायनात आपका नाम लेकर फरिश्तों से बात करे कि मेरे इस फला बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। फिर जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, की खुशी है इसमें, ये अल्लाह ताला आप खाली अवेलेबल है, इससे अंदाज़ा करें ना सर कि मैं, यानी अगर मुझे ये पता चल जाए कि जी कोई फला जो बहुत बड़ा कोई लीडर है कोई, तो आज लीडर तो हमारे खैर, लेकिन एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि
आपको कैसा महसूस होगा कि जब आपको ये पता चले कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्रेसिडेंट हाउस में आपका नाम लेकर बात की जा रही है? मुशीरों को बताया गया कि साहब एक वो फलां जुबैर साहब हैं, एक फैसल साहब हैं, ठीक है ना। यानी आपको अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाजा, तो सहाबा इकराम को उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा बताने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा, कोई भी बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में उस बंदे का जिक्र करके कहता है कि इस बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। वजाहत कर दूं, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से कहना है। दिल से कहना है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इधर से निकलनी चाहिए। करना चाहता हूं क्योंकि करोड़ों लोग, ये सारी चीजें इधर से निकल रही हैं, सीधी बात है। बार बार इसकी वजाहत मैं आखिर में जब इस पे आऊंगा तो एक और भी वजाहत कर दूंगा इसकी। फिर जब बंदा कहता है अर रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी रहमानियत का जिक्र किया। फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों से कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और मेरी बड़ाई बयान की है। तो ये तीन आयात इस वजह से अल्लाह ताला कहता है कि ये तीन आयात मेरे लिए हैं, क्योंकि इसमें मेरा बंदा मेरी तारीफ बयान कर रहा है, मेरी रहमानियत का जिक्र कर रहा है और मेरी बड़ाई बयान कर रहा है। यानी बंदा अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मेरी बात सिर्फ मेरी तारीफ कर रहा है। तो इसलिए ये हिस्सा सूरह फातिहा का मेरे लिए है, इस वजह से। उसके बाद बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 50-50 है। क्यों? क्योंकि इसमें बंदा मेरी निस्बत भी बात कर रहा है और अपनी निस्बत से भी बात कर रहा है। इय्याका नअबुदु, के अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तेरी ही करता रहूंगा, यानी मैं भी हूं और तू भी है। बिल्कुल ठीक है। वैया का नस्तीन, या अल्लाह मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ और तुझसे ही मांगता रहूंगा। तो ये वाला जो आयत का हिस्सा, ये एक पूरी आयत है, आयत नंबर 4 50-50 है। उसके बाद का हिस्सा पूरा का पूरा मेरे बंदे के लिए है, क्योंकि अब बंदा क्या कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, या अल्लाह मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने नेमतें नाजिल की, मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो भटक गए। तो अल्लाह ताला कहता है ये वाला रास्ता मेरे, ये वाला हिस्सा मेरे बंदे का है, जो आखिर है। और फिर अल्लाह ताला इसके बारे में बयान करता है कि चूंकि ये वाला हिस्सा मेरे बंदे का है, लिहाजा मैंने फरिश्तों को गवाह बनाकर अल्लाह ताला कहता है कि मैंने मेरे बंदे को वो कुछ दिया जो उसने मांगा, यानी उसने जो मांगा है ना, मैंने उसे दे दिया, दे दी उसे, और उन लोगों का रास्ता दिखा दिया जिन पर मैंने नेमतें नाजिल की थी, वो दे दी। अल्लाह ताला प्रॉमिस कर रहा है ये। और जब ये सूरह फातिहा खत्म होती है तो हम कहते हैं आमीन। तो एक और बात जो हदीस में मिलती है, उसका मुझे एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं उससे वो मैं बता दूंगा कि जब बंदा कहता है ना आमीन, जब सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद जब बंदा आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कह रहे होते हैं, फरिश्ते होते हैं जो सुन रहे होते हैं और वो भी आमीन कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदे की आमीन और उस फरिश्ते की आमीन सिंक्रोनाइज हो जाए, आपस में मिल जाए, तो उस बंदे को वो कुछ मिल गया जो वो चाहता है। इसका मतलब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि अगर दिल से तुमने मांगा है ना, वही जो शुरू में बात कर रहे थे, टाइमिंग से दिल से मांगा है तो तुम अपनी आमीन को सिंक भी कर लो, मतलब उसका वक्त नहीं बल्कि उसकी रूह अगर सिंक कर गई, सिंक है बहुत तो वो मांग लो। एक आखिरी बात इसमें मैं कर लूं अगर वक्त है तो। हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखें, अब यहां सूरह फातिहा के अंदर दो बातें हमें बहुत बुनियादी तौर पर समझ लेनी चाहिए। हम दुआ का पूरा जो बात कर रहे हैं, इसमें दुआ करने के आदाब भी मौजूद हैं। दुआ करने के आदाब ये हैं कि जब अल्लाह ताला से मांगो तो बिल्कुल ऐसे मुंह खोल के मांग ना लो, बल्कि अल्लाह ताला से मांगो तो पहले अल्लाह की तारीफ बयान करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैंने कहा था ना, उस सवाल को होल्ड कीजिएगा आप। अल्लाह का शुक्र अदा करो, यानी अल्लाह ताला ने पहले तुम्हें जिस हाल में रखा है उसका शुक्र तो अदा करो, अल्लाह की तारीफ बयान करो, इस बात को एडमिट करो कि तुम्हें एक दिन रोजे जजा में खड़े होना है, मालिक यौमिद्दीन, तुम इस बात को एडमिट करो, तुम समझो अपने शऊर के तौर पर कि या अल्लाह तेरे सामने मैं खड़ा होऊंगा और उस दिन तू ही मालिक होगा, इसको समझो। फिर अपने उस वादे को भी याद करो कि तुमने अल्लाह से वादा किया है, कि तुमने अल्लाह से वादा किया कि तुम उसी से मदद मांगोगे, किसी और से नहीं मांगोगे। मतलब निकलने के बाद लुटो फुटो, ये सारी बातें करने के बाद अब तुम अपनी रिक्वेस्ट सामने रखो। अब तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई माली तकलीफ है,
कोई घर में कोई परेशानी है, तुम औलाद का मसला है, जो मांगना है मांगो। ये आदाब भी सिखा दिया अल्लाह ताला ने। और एक बात इसमें और बयान की गई वो ये है कि रश्क में और हसद में फ़र्क क्या है। बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो रश्क और हसद वाली बात। अगर पता नहीं ये मौजू से हम निकल ना जाएं। नहीं, आप बिल्कुल मौजू पे हैं, मौजू पर हैं। रश्क और हसद में फर्क क्या है देखें आप, क्योंकि मुझे आप ये कहते साहब मुझे इशारा हो रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। देखें बहुत बहुत बारीक सा फ़र्क है, लेकिन हसद और रश्क ये है, हसद ये है कि मैंने देखा कि मेरा एक भाई है जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें दी हुई हैं, मेरे दिल में ये हसद पैदा हुआ कि इससे नेमतें छिन जाएं और मुझे मिल जाएं। ये हसद है कि इससे नेमतें छिन जाएं और मुझे मिल जाएं, या अगर ऐसा ना भी हो तो कम से कम इससे जरूर छिन जाएं, मुझे भले ना मिले। सही, ये भी ये हसद है। हम तो डूबे तुम्हें लेके जाएंगे। रश्क ये है कि अगर मेरे भाई को कुछ नेमतें मिली है ना तो मैं कहूँ या अल्लाह तूने इसे नेमतें दी हैं, या अल्लाह मुझे भी तो नेमतें दे, उसके बारे में मैं कोई बुरा कलाम ना करूँ। ये है रश्क। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में रश्क करने की तो तालीम दी है, हसद करने की तालीम नहीं दी है। सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जब किसी को देखें कि वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है, बहुत अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र आप भी अदा करें और फिर आप भी अपनी नेमतें मांगें, क्योंकि जिस रब ने उसे दिया है वो आपको भी देने पर कादिर है। लेकिन हसद ना करें। हसद की बात इसमें नहीं की गई, इसमें ये नहीं कहा गया कि मुझे जो है उन लोगों की नेमतें उनसे छीन कर मुझे दे दे, ये नहीं कहा गया। उन जैसी अल्लाह ताला के खजाने में कमी नहीं, कमी नहीं है, सबके लिए कमी नहीं है। ये सूरह फातिहा है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये उम्मुल कुरान है, यानी कुरान की माँ है ये सूरह फातिहा। जो मैंने पहले सवाल में कहा था कि इसमें तौबा भी है, वो मेरी नाकिस समझ में, वो जो आखिरी लाइन ना गैरुल मखदूब अलैहिम वलद्दालीन, मुझे वहाँ तौबा दिखती है कि अगर मैं किसी के गलत रास्ते को एक्नॉलेज करके कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उसके गलत रास्ते से बचाना, तो दरअसल मैं साथ में ये वादा भी तो कर रहा हूँ कि मुझे उस रास्ते पे नहीं चलना है, मुझे हिम्मत दे कि मैं उस रास्ते से बचा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर है। मैं ये कहूँ कि मैं तो उस रास्ते चलूंगा तो मुझे रोक लेना इलाही। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो ये वही फ्रॉड है जिसका मैंने जिक्र किया, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन दिल वही का है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मुझे इस वाले आखिरी जुमले में वो तौबा का भी जाती तौर पर, जब मैंने इसको पढ़ा मुझे लगा कि यार ये मैंने तौबा भी की इलाही, वो रास्ता जो है ना मैं नहीं, सॉरी आई डोंट वांट टू गो देयर। बिल्कुल ठीक, मुझे रोकना। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है। एक आखिरी बात इसमें और कर दूं, मैंने कहा कि सूरह फातिहा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ है। फिर आपने ये भी फरमाया साथ में ला सलात इल्लल फातिहा, कि कोई नमाज नहीं है सूरह फातिहा के बगैर। ला सलात इल्लल फातिहा, कोई नमाज नहीं हो सकती सूरह फातिहा के बगैर। यानी आपने सूरह फातिहा को इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि नमाज में सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नमाज की रूह में है, नमाज का ये लाजमी जुज़ है। यानी मैं अगर नमाज में सूरह फील नहीं पढ़ता, सूरह इखलास पढ़ लेता हूँ, सूरह इखलास नहीं पढ़ता, सूरह नास पढ़ लेता हूँ। कोई जैसे चार रकतें होती हैं तो जो आखिर वाली जो दो रकतें होती हैं उसमें कोई मैं सूरत ना भी पढ़ूँ तब भी ठीक है, पर सूरह फातिहा जो है उसके बगैर नमाज नहीं होती। तो यहाँ एक बुनियादी मसला आता है और वो समझना हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी है कि वो उनके जहनों में सवाल आएगा। हमारे जो चार जो मशहूर मसालिक हैं, हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली, इमाम अबू हनीफा के मुताबिक जब आप बाजमात नमाज अदा कर रहे हों तो आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, बल्कि आपकी सूरह फातिहा इमाम पढ़ रहा होता है। ठीक है, ये इमाम अबू हनीफा का एक है, उनका इज्तिहाद है कि जब आप बाजमात नमाज पढ़ रहे हो तो आप खामोश रहें, क्योंकि किरात इमाम कर रहा होता है। अब चाहे इमाम बुलंद आवाज़ से किरात कर रहा हो तब भी खामोश रहें, और इमाम पस्त आवाज़ में कर रहा हो तब भी खामोश रहें। और इमाम अबू हनीफा का ये कहना है कि चूँकि इमाम जो है वो पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लिहाजा आप सबकी सूरह फातिहा का रिप्रेजेंट करने वाला वो है, वो अल्लाह के हुजूर में सूरह फातिहा जब पढ़ता है तो वो आप सबकी तरफ से हो गई, इसलिए नमाज हो गई। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा मसलक है इमाम मालिक का, वो ये कहते हैं कि नहीं, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात इल्लल फातिहा, तो हर एक को अपना अपना सूरह फातिहा पढ़नी है, अपनी पढ़नी है, तो जब इमाम पढ़ रहा हो तो आप भी पढ़ें, सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें, भले इमाम पढ़ रहा हो आप अपनी पढ़ें। ठीक है, ठीक है।
चाहे उसमें कुछ खलल पैदा हो या ना हो, अगर इमाम पस्त आवाज़ से पढ़ रहा है तो आप पढ़ें, बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा है तब भी पढ़ें। तीसरा एक और ओपिनियन ये है जो आमतौर पर हरम में होता है, हरम में आपने देखा होगा कि इमाम जो है वो सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा के बाद इमाम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, और इतनी देर के लिए खामोश होता है कि जितनी देर में आप अपनी सूरह फातिहा पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, उसके बाद इमाम आगे की सूरत पढ़ता है, थोड़ा सा ब्रेक देता है इमाम, मुक्तदियों को चांस देता है कि तुम अपनी सूरह फातिहा पढ़ लो फिर मैं आगे की किरात करूँगा। और एक ओपिनियन जो कि इमाम शाफई का है, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा बैलेंस्ड ओपिनियन है, वो ये कहते हैं कि जब भी इमाम बुलंद आवाज़ से तिलावत करे तो सूरह फातिहा जब वो पढ़ रहा होता है तो तुम सुन रहे होते हो, तो लिहाजा सूरह फातिहा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल में तो पढ़ ली गई, क्योंकि तो वो पढ़ रहा है, तुम सुन भी रहे हो और तुम उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो वो सूरह फातिहा अदा हो गई। और जब इमाम पस्त आवाज़ में हो, यानी असर की नमाज है, जहर की नमाज है, तो तुम्हें अपनी सूरह फातिहा खुद पढ़नी चाहिए। तो ये चारों ओपिनियन हैं, इसमें मैं किसी को राय नहीं देना चाह रहा, मगर ये चार डिफरेंट ओपिनियन है और इसमें कोई बहस का मामला नहीं है, मगर जो बुनियादी बात है वो ये कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। आज मतलब सिर्फ इस 32-36 मिनट की कॉन्वर्सेशन से वो ये तय हो गया कि मेरी नमाज, मुझे उम्मीद है कि कदरे बेहतर हो जाएगी, वैसे तो बड़ी नाकस है, कदरे बेहतर हो जाएगी। मैं सूरह फातिहा पर डिस्कशन किए हुए मुझे तकरीबन 15-17 बरस हुए। अच्छा। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी डिस्कशन रिन्यू की, बहुत सी बातें मैं भूल गया था और बहुत सी याद भी थी, बहुत सी रिफ्रेश हो गई। महमूद हसन बड़े याद आते हैं, मालूम अल्लाह उनको जन्म किसी पहले, उन्हें बड़ा बड़े बड़े वो बात है कोई 20 साल पुराने की, लेकिन बड़ा उनकी समझाने का एक वो उस्ताद का जो तरीका था बड़ा कमाल था। बहरहाल यहाँ पे इसको इख्तिताम करते हैं, फिर अगली दुआओं की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिए।